हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय सेल्फ पीयूष पटेल। आज का ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप सबको रक्षाबंधन त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां से हम राउंड टू की बात के बारे में बात करने वाले हैं। राउंड वन मोस्ट प्रोबेबली खत्म होने को ही आया है। जैसे ही मैं आपको टाइम टेबल दिखाता हूँ, रिवाइज टाइम टेबल जो अपना था, तो इसमें राउंड वन का जो फीस भरने का था वो था 28 और 29, मतलब वो खत्म हो चुका है। आज से आपकी कॉलेज, कल से आपकी कॉलेज भी शुरू हो चुकी है और रीशफलिंग राउंड, ऑनलाइन एडमिशन कैंसलेशन भी खत्म हो चुका है 29 को। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी शीट आफ्टर एक्चुअल राउंड, और आज और कल आप आपकी चॉइस को अल्टरनेट भी कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, नहीं ऐड भी कर सकते हो। अब एक्चुअल राउंड के लिए वैकेंसी शीट का लिस्ट अभी तक मेरे को कहीं पे वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल में जाओगे तो राउंड टू की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं थोड़ा आपको ध्यान से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे कहीं पे खाली एक इंस्ट्रक्शन आई है राउंड टू की, इंपॉर्टेंट एडमिशन कंफर्मेशन और कॉलेज के लिए रिगार्डिंग मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब जो वैकेंट शीट्स है कॉलेज की, जिन लोगों ने फीस भर दी है उनके बाद की, तो वो आज के दिन में आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई राउंड टू आज और कल दो दिन है, मतलब ये दो दिन में अगर आपको राउंड टू में जाना है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आज हमारी एप्लीकेशन पे थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज के ऊपर 20% ऑफ चल रहा है। रक्षाबंधन कूपन कोड आपको नीचे दिखाई देगा, वो अप्लाई करके आपको आपका कोर्स बाय करना है। तो थर्ड सेम की पढ़ाई अगर आपको हमारे साथ करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे कोर्सेज की लिंक भी रख दी है, आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। ये हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है 20%, बाकी रेगुलर एप्लीकेशन में 10% ऑफ चल रहा होता है, तो आप जाके बाय कर सकते हो। सुनना, आप जैसे ही आपकी प्रोफाइल में जाओगे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना, राउंड टू के लिए। अब ये वीडियो दिखाने से पहले मैं थोड़ी इंस्ट्रक्शन आपको दिखा दूं। एक पीडीएफ आई हुई है, उसमें इंस्ट्रक्शन दी है, मैं आपको समझा दूं। राउंड टू के लिए आपको आपकी लॉगिन करना है एसीपीसी की वेबसाइट में, उसके बाद राउंड टू में अगर आपको जाना है तो लास्ट दिन से पहले आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। राउंड टू में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं ऐड कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में आपको जो कोई कॉलेज मिली थी वो कॉलेज यहाँ पे डालने की आपको जरूरत नहीं है। मान लो फर्स्ट राउंड में आपने फीस भर दी, फीस थी तो नहीं, तो खाली एडमिशन लेटर डाउनलोड करके कंफर्म कर दिया, तो राउंड टू में वो कॉलेज डालने की जरूरत नहीं है। अगर राउंड टू में आपको कहीं पे मिलता है तो राउंड वन वाली अपने आप कैंसल ही हो जाएगी। फिर आप ऐसा बोलोगे मेरे को राउंड वन वाली चाहिए थी, तो नहीं मिलेगी, ये चीज याद रखना। अगर राउंड टू में कहीं पे आपको मिलता नहीं है तो राउंड वन वाली आपकी कंफर्म ही रहेगी, भले ही कॉलेज वालों ने आपको ऐसा बोला था फीस भर जा कॉलेज की, वरना राउंड वन वाली शीट चली जाएगी। ऑनलाइन एसीपीसी में फीस भरी है तो शीट जाती नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, सिंपल चीज है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके लिए करना है क्या, आप जैसे ही आपके अंदर जाओगे तो आपको ऐसा सम्मति वाला दिखाई देगा कि भाई हूँ सम्मति आपू छू कि मेरे को राउंड टू में जाना है, अगर मिलता है तो राउंड वन वाला कैंसिल हो जाएगा, मेरे को पता ही है राउंड वन वाली शीट में ही जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या दिया है, एक बार आपने यस कर दिया फिर आप नो नहीं कर सकते, है ना, राउंड टू के लिए आपने यस कर दिया फिर आप नो नहीं कर सकते, खास ध्यान में रख के यस करना। वही चीजें आपको डालनी है जो आपको राउंड वन में नहीं मिली थी, राउंड वन में कॉलेज नहीं मिली थी वो डालनी है, कोई नहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन राउंड वन में आपको जो कॉलेज मिली थी वो वापस डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप कंफर्म करके बैठे हो, वो सीट तो आपकी ही है, क्लियर। और अगर आपने राउंड वन में जो कॉलेज मिली है वही आपको रखनी है और उसमें ही पढ़ना है तो राउंड टू में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे ही करोगे सिलेक्ट, है ना, कंसर्न फॉर पार्टिसिपेंट इन द, तो आपको ऐसा एक ऑप्शन दिखाई देगा यस और नो, तो अगर आप यस करते हो तो आप राउंड टू में चले गए, फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे आप नो करते हो तो आपको राउंड टू में नहीं जाना है। अब आप कुछ भी नहीं करते हो, मान लो अंदर जाते ही नहीं प्रोफाइल में, तो ये अपने आप नो हो जाएगा, या मतलब आप राउंड टू में जाना चाहते नहीं है, राउंड वन वाली जो कॉलेज है उसमें ही आपको रहना है। तो ये है फंडा, यस और नो का ऑप्शन अंदर दिखाई देगा, यहाँ से आपको करना है, आपका पासवर्ड भी एक बार डालेगा, पासवर्ड डाल के आप ये कर सकते हो। तो इस चीज का आपको खास ध्यान में रखना है बस। तो अभी राउंड टू की इतनी नोटिफिकेशन है, और राउंड टू के बाद फीस कब भरनी है, तो रिजल्ट आएगा आपका 2 तारीख का, और आपको फीस भरनी है 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, और कैंसिल भी अगर करना है टोकन फीस वापिस भी जाइए, है ना, तो 2 और 3 में आप कैंसिल भी करवा सकते हो।
और उसके बाद एक रिशफलिंग राउंड आएगा जिसमें इस बार जो पास आउट नहीं है 2022 या फिर आगे के उन सबको चांस मिलेगा, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लोगों को यहाँ पे चांस मिलने के चांसेस है, बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। आज अगर वैकेंट का लिस्ट आ जाता है तो शायद रात को हम लाइव भी कर सकते हैं, क्लियर, आता है तो, नहीं आता है तो हम नहीं करेंगे, क्लियर। तो मैं आपको समझा दूंगा सब कुछ लाइव के अंदर। तो बस यही है फंडा, अगर आपके कोई अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन में 20% ऑफ है, कोर्स बाय करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी आप लेट चल रहे हो, ऑल लेट करने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, ध्यान से यस और नो करना, कोई भी गलती मत करना, फ्यूचर का सवाल है। और कभी भी आपको कुछ भी काम है तो आपको ऑलवेज व्हाट्सअप ही करना है, कॉल डायरेक्ट नहीं करना है। तो मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।